हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको लेकर आया हूं राजस्थान की राजधानी जयपुर के एक फेमस टूरिस्ट पॉइंट जंतर मंतर में, जो जयपुर रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पर सिचुएटेड है। इसका टिकट 52 रुपीज पर पर्सन है और इसका टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम की 5 बजे तक का है। फ्रेंड्स, जयपुर के बनने के साथ ही तत्कालीन महाराजा सवाई जय सिंह जी द्वितीय ने सिटी पैलेस और जंतर मंतर का निर्माण कार्य शुरू करवाया था। सवाई जय सिंह जी एक खगोल वैज्ञानिक भी थे और ज्योतिष शास्त्र में काफी दिलचस्पी रखते थे और इसके काफी जानकार भी थे। इन्हीं सब खूबियों के कारण औरंगजेब ने उन्हें सवाई की उपाधि भी दी थी, जिसका मतलब होता था मोर देन इंटेलिजेंट। जंतर मंतर को बनने में करीब 6 साल लगे और 1734 में यह बनकर तैयार हुआ था। प्लैनेट्स की चाल को स्टडी करने के लिए ये तमाम यंत्र बनाए गए थे और ये ऑब्जर्वेटरी साइंटिफिक प्रोग्रेस की एक बेहतरीन मिसाल है, जिसकी तारीफ में जवाहरलाल नेहरू ने अपनी फेमस बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत एक खोज में सम्मान पूर्वक लिखा है। जंतर मंतर में जंतर का मतलब यंत्र यानी इंस्ट्रूमेंट और मंतर का मतलब गणना यानी कैलकुलेशन होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, इन स्टोन से बने इंस्ट्रूमेंट द्वारा आज से 300 साल पहले एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्चेस की जाती थी। ये खगोलीय वेधशाला भारत में 5 जगहों पर है, जो कि जयपुर, दिल्ली, वाराणसी, मथुरा और उज्जैन है, जिसमें सबसे बड़ा जंतर मंतर जयपुर में बनवाया गया था। इसे बनाने से पहले सवाई जय सिंह जी ने कई कंट्रीज जैसे अरब, यूरोप, ब्रिटेन, पुर्तगाल आदि में अपने दूत भेजकर एस्ट्रोनॉमिकल पांडुलिपियां कलेक्ट करवा के काफी रिसर्च के बाद इसे ट्रांसलेट करवा कर एक बंगाली आर्किटेक्ट विद्याधर भट्टाचार्य जी की मदद से बनवाया था। पहले ये ऑब्जर्वेटरी चूने और पत्थर से बनी थी, लेकिन 18th सेंचुरी में राजा सवाई माधो सिंह जी ने इसका रिनोवेशन मार्बल का यूज करके करवाया था। इस ऑब्जर्वेटरी में लगे ये इंस्ट्रूमेंट्स समय मापने, ग्रहण की भविष्यवाणी करने, किसी तारे की स्पीड और सिचुएशन जानने और सौर मंडल के प्लैनेट्स के डायरेक्शन जानने में काम आते हैं। जंतर मंतर में टोटल 14-20 यंत्र बने हुए हैं, जो आज भी सही कंडीशन में है, जिसकी वजह से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 2010 में इन्हें शामिल किया गया था। अब चलते हैं इन यंत्रों की डिटेल जानकारी की तरफ। फ्रेंड्स, ये है वर्ल्ड की सबसे बड़ी सन वॉच, जिसका नाम है सम्राट यंत्र। इसमें लेफ्ट वाला पार्ट डे का टाइम बताता है और राइट वाला पार्ट शाम का। इसमें मार्बल का एक ब्लॉक 15 मिनट के ड्यूरेशन को इंडिकेट करता है। क्योंकि जयपुर का लैटिट्यूड 27 डिग्री है, इसलिए इस यंत्र की इस पट्टी का एंगल भी 27 डिग्री रखा गया है। ये है राशि वाले यंत्र। फ्रेंड्स, ये यंत्र जो आप देख रहे हैं टोटल 12 राशियों के आधार पर बनाए गए हैं। जयपुर में पैदा होने वाले किसी भी बच्चे की राशि इन्हीं यंत्रों से तय की जाती थी। दिन और समय के हिसाब से कौन सा प्लेनेट किस राशि में है और बच्चा किस नक्षत्र में पैदा हुआ है, उसकी कैलकुलेशन इन्हीं यंत्रों से अनुमान लगाकर पता की जाती थी। एक राशि 30 डिग्री का है, 12 राशि जो है 360 डिग्री का। अब एक डिग्री मैंने बताया था 4 मिनट का होता है, तो 30 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 2 घंटे, 2 घंटे के मून साइन होता है, तो 24 घंटे के 12 मून साइन। 270 का नंबर होता है 9। एक राशि 30 डिग्री का है, तो 9 की 27 हुआ, 9 नंबर का राशि हुआ मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। तो अभी कोई बच्चे का जन्म होगा जयपुर में, उसका मून साइन होगा सजिटेरियस, सन साइन होगा उसका कैप्रिकॉर्न। परंतु जैसे ही शैडो 240 पे आएगा तो मून साइन उसका स्कॉर्पियो हो जाएगा, सन साइन यही रहेगा। ये है जयप्रकाश यंत्र। ये यंत्र इन सब यंत्रों में मास्टर यंत्र है, क्योंकि सभी यंत्रों की कैलकुलेशन अकेला ये यंत्र कर सकता है। इसे ग्लोब के हाफ पोर्शन के शेप में 2 हिस्सों में बांटकर बनाया गया है। इनके बीच में जहां एक गोले में गैप है, तो वहीं दूसरे गोले में दूसरी जगह अगर दोनों को मिला दिया जाए तो इसमें जाने की जगह नहीं बचती। ये यंत्र धूप में बारी बारी से हर एक घंटे में अलग अलग काम आते हैं। इसमें तार के बीच में बंधे पॉइंट को सन माना गया है। अगर सन की छाया यंत्र के गैप में पड़ती है तो उस समय दूसरे यंत्र को काम में लिया जाता है। सूर्य की छाया नीचे लिखी जिस राशि में पड़ती है तो उस टाइम सूर्य उसी राशि में चल रहा होता है। यह यंत्र ध्रुव दर्शक पट्टिका यंत्र है। इस यंत्र को रात के समय में ध्रुव तारे को देखने के लिए बनाया गया था। इस पट्टी पर एरो की सीध में देखने पर ध्रुव तारा सीधा दिखाई पड़ता है। यह स्ट्रक्चर है राम यंत्र। यह भी 2 पार्ट में बनाया हुआ है। इससे अर्थ से सन की हाइट और अर्थ टाइम के अकॉर्डिंग कितने डिग्री मूव कर रही है, उसका पता लगाया जाता है। इसके बीच में लगे पोल की परछाई जब स्टोन पर पड़ती है तो उस पर लिखे मेजरमेंट से प्रॉपर कैलकुलेशन होती है।
फ्रेंड्स, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है चक्र यंत्र। ये अर्थ की सेंटर पॉइंट यानी इक्वेटर से सन नॉर्थ में कितने डिग्री गया है उसके बारे में बताता है। पूरा गोला 360 डिग्री का है, बीच वाली अर्थ की इक्वेटर लाइन है और ये सेंटर हॉल में स्टिक को रख के सूर्य मानकर उसकी परछाई जिस नंबर पे पड़ती है उससे कैलकुलेशन की जाती है। और ये है लघु सम्राट यंत्र, यानी बड़ा वाला जो आपने सम्राट यंत्र देखा था उसका स्मॉल वर्जन। इस यंत्र में सुबह और शाम का टाइम देखा जाता है क्योंकि जयपुर का लेटिट्यूड 27 डिग्री है, इसलिए इसको भी 27 डिग्री एंगल से बनाया गया है। इसकी टाइम की एक्यूरेसी 20 सेकंड है और बड़े वाले सम्राट यंत्र की एक्यूरेसी 2 सेकंड है। तो फ्रेंड्स, ये थे जंतर मंतर के कुछ यंत्र जिनसे आज भी जयपुर के वार्षिक पंचांग मनाए जाते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर जयपुर के सभी फोर्ट्स की डिटेल वीडियो अवेलेबल है जिन्हें देखकर आपको थोड़ी बहुत जानकारी और गाइडेंस जरूर मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।